नमस्कार दोस्तों, हमने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें एक एसटीआर के बारे में बताए थे अभी कुछ दिन पहले सीसीटीवी कैमरे पे। ये देखिए, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है उसमें कई पर्पज होते हैं, यानी एक ही वीडियो में कई चीज़ें छुपा आपको मिलेगा। या आप चाहे फॉल्ट की ट्रेस आउट को लेकर उस पर देख लें, या चाहे किसी कंपोनेंट पे डिस्कस को लेकर देख लें, या किसी सर्किट डायग्राम को लेकर देख लें, तो वो वहाँ पे एक ही पर्टिकुलर एक ही एरिया या एक ही जगह के लिए वो चीज़ें नहीं होती, वो उसका कई मकसद होता है, कई जगह काम आ सकता है। इस पर्पस से हम ये वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो है ये दिखाया है, ये एसटीआर है, ये 6 पिन का एसटीआर है, इसमें कोई भी हीटसिंक नहीं लगा है। इसे आप किसी भी जगह हीटसिंक पे ऐसे प्रेस करके उसको दबा देंगे तो ये क्या होगा, जैसे इसमें होता है कि आपको यहाँ पे कोई स्क्रू या पेच जो है कसने होते हैं, यहाँ से टाइट करने होते हैं, तब किसी हीटसिंक में फिट होता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको एक प्रेशर से जो है उसमें टच करना होगा किसी हीटसिंक में। और इसकी जो हमने देखा है, इसका जो साइज़ है इतना छोटा है एसटीआर होते हुए, ये आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि वो सीसीटीवी कैमरे के लिए डिज़ाइन किया गया, इसकी पावर कैपेसिटी भी बहुत हाई है। और दूसरी बात है, एसटीआर हम यूज क्यों करते हैं, एसटीआर एज ए मॉड्यूल, क्योंकि अगर मॉस्फेट की कोई भी डिज़ाइन होगी तो वहाँ पे आपका एक पीडब्ल्यूएम ज़रूरत होगा जो कि इसको ओसिलेट या ड्राइव करने के लिए काम आता है। और इसमें क्या है, एसटीआर में क्या है, एसटीआर में इस मॉड्यूल का पीडब्ल्यूएम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें कुछ पिनें होती हैं, उसके कनेक्शन को समझना होता है। और इस किसी भी एसटीआर को अगर आप उसको समझ लेंगे तो जैसे आप इसके डिज़ाइन करते हैं ऐसे यहाँ पे एसटीआर जो है किसी भी एसएमपीएस के साथ मैच करा के इसे बहुत ही इजी तरीके से यूज किया जा सकता है। तो अभी हमको जो जो जिसका हम देखते हैं रिस्पांस अच्छा है तो उसका ही हम इस पे जो है अपने वीडियो में उसको इंक्लूड करते हैं। और ये जैसे यहाँ पे हमने जो इस मॉस्फेट को दिखाया है, ये मॉस्फेट जो है जैसे यहाँ पर देखें 24 इंच से ये जो है 32 इंच, यानी 24 इंच से 32 इंच की एलईडी टीवी के जो पावर सप्लाई होते हैं या मदरबोर्ड होते हैं या कम्बो बोर्ड होते हैं वहाँ पे जो यूज होने वाला जैसे मॉस्फेट है वो है जैसे 8N60 और 10N60। ये दो टाइप के मॉस्फेट हैं। जैसे ये मॉस्फेट जो है आप यहाँ 24 के लिए यूज कर सकते हैं, ये जो है 32 के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ये जो है हमारा 40 इंच से 75 इंच तक के ये जो है पावर सप्लाई, कोई भी मदरबोर्ड हो या जो पीएफसी पावर सप्लाई होता है या जहाँ भी अगर मॉस्फेट यूज किए गए हैं वहाँ के लिए ये सबसे बेटर रिस्पॉन्स करता है हमारा 13N60 यानी 13N60 ये मॉस्फेट है। लेकिन इसके साथ में क्या है, इसके साथ में आपको ये एसएमपीएस पीडब्ल्यूएम मॉड्यूल जो एक छोटा सा मॉड्यूल होता है उसे एक आईसी बेस पे भी आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं या मार्केट में भी मिलता है, उसे भी आप जो है अगर कहीं भी कोई भी पावर सप्लाई चाहे अडाप्टर हो या कोई भी पावर सप्लाई हो वहाँ उस मॉड्यूल को हम आपको बताएंगे कि कैसे उसे बहुत ही छोटे से तरीके से एक आईसी से अगर कोई अडाप्टर भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस आईसी को अगर एसएमडी वाली आईसी है तो उसे इस प्रकार से इतने छोटे में डिज़ाइन कर सकते हैं कि अडाप्टर में भी उसे चिपका दें और केवल 3 या 4 वायर से जो है इसके कनेक्शन कर सकते हैं मॉस्फेट का और अडाप्टर अपने आप जो है फर्स्ट क्लास काम करेगा चाहे कोई भी हो। अब इस चीज़ को हम पहले थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं अपने चैनल पर वीडियो के द्वारा, फिर हम उसके बारे में जब हम और डिटेल बताएँगे तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों को तो ये मिल जाता है, वो समझ जाते हैं कि हम किस पर्पज़ से बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आता कि ये हमारे काम का कैसे है। सीसीटीवी कैमरे का है तो हम एलईडी टीवी का काम करते हैं तो इससे हमारा क्या, इसलिए उस वीडियो को ना देखते हैं ना समझते हैं ना जानते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि ये सीसीटीवी कैमरे के लिए नहीं, ये कहीं भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, एक बहुत ही बेटर रिस्पॉन्स है इसका। अब रिस्पांस कैसे मालूम हुआ, हमारे पास आया उसके बारे में हमको उसके रिस्पांस देखें कि उतना उधर जो हमारा जो फिल्टर लाइन फिल्टर के एरिया में फॉल्ट हुआ और उस फॉल्ट के बीच लो वोल्टेज में ये जो है ऑपरेट किया और ये बच गया सेफ, तो इसलिए ये क्लियर हो गया कि इसका जो खास बात है उस पावर सप्लाई से हमने जो है इसको सीखा
कि ये बच कैसे गया इतना झटका लगते हुए, यानी हाई वोल्टेज को भी झेला और जब वो फिल्टर ख़राब हुआ तो कम वोल्टेज को देखा झेला, तो जो भी वहाँ फ्लैक्चुएशन हुआ उस वोल्टेज के कंडीशन में ये सेफ बचा रहा। तो इसलिए हमने जो है इसको देखा, इसकी कैपेसिटी और इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझा, तब हमने जो है इसको आपके सामने हाईलाइट किया। हाईलाइट करने का मतलब होता है कि एक ऑप्शन मिल जाता है अगले को। अब यही चीज़ें अगर कहीं से चाइना के द्वारा बन के आए SMD के रूप में और पैकेज के रूप में, तो आपको लगेगा कि एक नया मॉड्यूल आ गया मार्केट में, और इसको अगर छुपा लिया जाए केवल वायर दिखाया जाए तो आपको लगेगा कहाँ कोई चीज़ है विशेष। तो विशेष चीज़ें कहाँ से होती है? विशेष चीज़ें अपने से जनरेट होती हैं। और देखिए, साइंस को अगर आप समझेंगे तो गहराई से तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। साइंस क्या करता है? साइंस किसी चीज़ को समझता है, जानता है, ऑब्जर्वेशन होता है, करता है, उसके नियम को समझ लेता है। जैसे ही किसी चीज़ के नियम को समझ लिया, उसने रिजल्ट के रूप में दे दिया आपको। तो वही बात को जो है हमको भी उस माइंड को समझना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का अभी क्वेश्चन था कि AI के बारे में आपका क्या कहना है। AI सिस्टम जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आदमी को इंटेलिजेंस बनाने के लिए नहीं है, ये बिजनेस को सर्व करने के लिए है। यानी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस के और भी जितने चीज़ें हैं उनको जो है वो हाईलाइट करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बिजनेस को, मतलब सब मिला के बिजनेस को सर्व करने के लिए सिस्टम ये बना है, AI सिस्टम। अब उसको यूज कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कोई जो है बंदूक है, एक पुलिस भी चलाता है, एक आतंकवादी भी चलाता है। अब आतंकवादी देखिए उस बंदूक कहाँ कहाँ यूज करता है, कैसे यूज करता है, और एक सिपाही जो है उस बंदूक को कैसे यूज करता है, कहाँ कहाँ यूज करता है। तो ये हमको यूजेज के ऊपर में है कि जो सिस्टम हमको मिला है अब हम उस सिस्टम को यूज कैसे करते हैं, ये भी डिपेंड करता है। बना है किसी और चीज़ के लिए, यूज हम किसी और चीज़ पे करते हैं। तो अब कोई भी चीज़ का दो पहलू होता ही है, रॉन्ग राइट। तो इस पे हम और डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन आप हमारे बात को विशेष ध्यान दें। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, देखिए अभी कल भी एक वीडियो बनाया है, ये नहीं कि हमने बैकलाइट के बारे में बताया है कि एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, उससे आप अगर माइंड लगाएंगे तो वहाँ पे जो वोल्टेज का जो ड्रॉपिंग हो रहा था कम ज़्यादा या फ्लैक्चुएशन हो रहा था, हमने उसको क्लियर करके एक रेजिस्टेंस दिखाया है कि अगर किसी पिन को आप जानते हैं कि इस पिन का क्या काम है, तो आप डायरेक्ट उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और जब सोल्यूशन निकाल कर क्लियर कर लेंगे तब उसके ट्रैक को स्टेप बाई स्टेप चेक करके चले जाएंगे कि कहाँ से आया है, कहाँ से ड्रॉपिंग हो रहा है। अगर नहीं हो तो आप एक जंपर के द्वारा वहाँ भी जो है जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए जानना ज़रूरी होता है। अब यही एक रेजिस्टेंस है, भी सॉल्व हो सकता है। यही आपको बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड लगाना होगा, उसके लिए कनेक्शन करना होगा। अब यहाँ पे जो हमने वीडियो दिखाया है, यहाँ पे मान लीजिए इसका ये 45 वोल्ट है, 45 वोल्ट से ऑपरेट है। अब आप कोई भी बैकलाइट ड्राइवर यूज करते तो आपको ये सामने प्रॉब्लम आता, 45 वोल्ट के लिए कौन सा बैकलाइट यूज करें। अब इसमें भी हम मॉडिफिकेशन आपको बताएंगे कि कोई भी अगर ड्राइवर है तो उसे 45 वोल्ट या 100 वोल्ट पे कैसे उसे चला सकते हैं, उसमें भी मॉडिफाई करके। तो हमारा जो इधर मकसद है कि जैसे आप लोग उसके सहारे रहते हैं कि जब कोई चीज़ कहीं बाहर से आए, चाइना से आए या कहीं कोई बना कर दे, और मेरा मकसद है कि आप खुद ही बना सकते हैं, इसे खुद ही चला सकते हैं। क्योंकि अब देखिए इसमें क्या है, मॉड्यूल की क्या ज़रूरत है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अभी मानते हैं कि इसके बारे में अभी नहीं मालूम है आपको, या बहुत लोग जानते हैं, तो जैसे इसके सारे गणित होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, ऐसे इसके भी होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। चलते चलते एक बात और बता दें आपको, ये जो इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन आप देखते होंगे यूट्यूब का इंडिकेशन है, और हमारे जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इंडिकेशन होता है प्ले। प्ले मतलब प्ले इंग्लिश शब्द है, प्ले और हिंदी मतलब क्या हुआ, खेल। ठीक है, ये इसका जो है बहुत ही सीक्रेट है, जो कि आप इसके बारे में समझेंगे। जैसे यही सिंबल इसके बैक साइड में लगा दें, जैसे फॉरवर्ड हो गया, फिर इसके डायरेक्शन को इधर घुमा दें, डबल लगा दें, रिवर्स हो गया, ठीक है, और ऐसे डबल कर दें तो पोज हो गया, फिर अगर ऐसे ये स्क्वायर में कर दें तो क्या हो गया, स्टॉप हो गया।
तो ये सब जो इंडिकेशन है, ये सब इंडिकेशन का मतलब होता है। जैसे इंडिकेशन का मतलब इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हम लोग को जैसे समझाने के लिए, जैसे जैसे हमारे कॉन्शस जो है ऑप्टिमम मतलब अपनी ऊंचाई को पीक तक जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारी समझ जो है बहुत तेज़ वो बढ़ती चली जाती है। और समझ से क्या होता है, इस चीज़ के इंडिकेशन को समझ में आ जाता है कि इसका पर्पज़ क्या है, क्योंकि किसी ने इसके सिंबल को डिजाइन किया। अब जिसने भी डिजाइन किया उस भाव से उसके पास इतना ही समझाने के लिए था, तो उसने जो है इस इंडिकेशन को उस रूप में दे दिया।